नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पार्ट डी। क्वेश्चन है व्हाट इज अ टेलीफोन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। कि टेलीफोन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है। टेलीफोन आपने पढ़ा हुआ है, टेरिलिन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। जब उसको कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो टेरिकोट बनता है, और वूल के साथ मिक्स किया जाता है तो टेरिगून बनता है। यहाँ हमने टेरिकोट के बारे में पढ़ना है। तो क्या है, टेरिकोट इज ब्लेंडेड फैब्रिक ऑफ टेरिलिन एंड कॉटन। मीन्स ये ब्लेंडेड फैब्रिक है जो टेरिलिन और कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, कॉटन क्या है, नेचुरल फाइबर है। टेरिलिन क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है, मैनमेड फाइबर है। जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो नेचुरल और आर्टिफिशियल को तो ब्लेंडेड फैब्रिक बनता है। तो इस तरीके से टेरिकोट की इन्वेंशन होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इन टेरिकोट क्या है, टेरिलिन के अंदर कॉटन मिल चुका है। कॉटन नेचुरल फाइबर है जो स्वेट को भी एब्जॉर्ब करता है, और गर्मियों में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। हम लोग करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि गर्मियों में क्या है, गर्मी बहुत लगती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करता है, ठंडा रखता है। ठीक है, तो इसीलिए जो टेरिकोट है, कॉटन मेक्स इट कंफर्टेबल टू बी वॉर्न। जो कॉटन है जब टेरिलिन के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, पहनने के लिए आरामदायक बना देता है इन समर, जिसको हम गर्मियों में आसानी से आराम से पहन सकते हैं। एंड टेरिलिन कीप्स इट लाइट। और जो टेरिलिन है, सिंथेटिक फाइबर है, वो उस कपड़े को हल्का रखता है, लाइट रखता है। ठीक है, तो गर्मियों में लाइट एंड लाइट जो कलर्स है और लाइट क्लोथ पहनना हम पसंद करते हैं, जो ज्यादा हैवी वेट के नहीं होते। तो यही कारण है, जो टेरिकोट होता है कंफर्टेबल है गर्मियों में पहनने के लिए, और टेरिलिन इसको हल्का करता है, लाइट बनाता है, लाइट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन व्हाट रिस्पेक्ट रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम नायलॉन। कि जो रेयन है नायलॉन से किस तरीके से डिफरेंट है। आपने पढ़ा था नायलॉन जो है टोटली सिंथेटिक फाइबर है जो पेट्रोकेमिकल से पेट्रोलियम से बनता है, और जो रेयन है तो आर्टिफिशियल फाइबर, मैनमेड फाइबर है। लेकिन इसके साथ साथ वुड पल्प, ठीक है, जो सेलुलोज होता है, प्लांट्स की जो वॉल्स होती है उनके अंदर एक वुड पल्प जिसको हम सेलुलोज कहते हैं वो पाया जाता है, उसके मिक्सचर से बनता है। तो देखो रेयन इज मेड ऑफ सेलुलोज इन वुड पल्प। ठीक है, वुड पल्प की फॉर्म में जो सेलुलोज होता है पाया जाता है उनके अंदर, उससे रेयन की फॉर्मेशन होती है। व्हाइल नायलॉन इज कंप्लीटली सिंथेटाइज फाइबर मेड ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो क्या है, लेकिन जो नायलॉन है टोटली कंप्लीटली पेट्रोलियम से बनता है, पेट्रोलियम को सिंथेसाइज करने के बाद वो बनाया जाता है, इसीलिए दोनों डिफरेंट होते हैं। रेयन को हम नेचुरल जो फाइबर गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। सिल्क जो है हमें किससे मिलती है, सिल्क मोम से, जो नेचुरल फाइबर है। ठीक है, तो रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। किस लिए, ये असली सिल्क से सस्ती होती है, उसी की तरह लुक देती है, और उसी की तरह पहनने में भी कंफर्टेबल होती है। ठीक है, तो इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी की तरह डिजाइनिंग देती है। तो इसीलिए रेयन जो है सेलुलोज के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, और जो नायलॉन है टोटली पेट्रोलियम से बनता है, इसलिए दोनों में डिफरेंस माना गया है। आगे समझ, दोनों में डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज पैट, पीईटी पैट। पैट का मतलब होता है पॉलीथिलीन टेरोफ्लोरोकेट। ठीक है, तो जो क्या है, पैट का मतलब होता है पॉलीथिलीन टेरोफ्लोरोकेट। ठीक है, इसका मतलब इज अ फॉर्म ऑफ पोलिएस्टर, जो कि पोलिएस्टर की फॉर्म में होता है, यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स, जिसका इस्तेमाल हम बॉटल, यूटेंसिल्स और वायर
बल्ब से बनाया जाता है एंड हैज प्रॉपर्टीज लाइक नेचुरल फाइबर्स, और जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है नेचुरल फाइबर्स की तरह ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो रेयोन है हालांकि हमारे द्वारा बनाया गया है लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नेचुरल फाइबर्स की तरह होती है, जो वुड पल्प से बनाया जाता है, सेलुलोज से बनाया जाता है, जो कि प्लांट प्रोडक्ट है, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसीलिए हम इसको नेचुरल फाइबर में भी काउंट करते हैं। नाउ बच्चों पार्ट ई ऑफ चैप्टर 9, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक इन एग्जाम्पल्स, कि आपको थर्मोसेटिक प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक के बारे में बताना है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक सबसे पहले आ जाता है, प्लास्टिक विच कैन बी रिमोल्डेड एंड सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग, ऐसे प्लास्टिक मींस कि जो दोबारा रिमोल्ड हो जाते हैं, गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाते हैं। समझ में आई, कहने का मतलब है ऐसे प्लास्टिक जो दोबारा रिमोल्डेड होते रहते हैं, गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मींस कि क्या मैं तो थोड़ा मेल्ट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं और फिर ठंडा होने पर वो हार्ड हो जाते हैं, उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पॉलीथीन और पीवीसी। ठीक है, पॉलीथीन को आप हीट के पास लेके जाते हो, क्या करते हो, मेल्ट करना शुरू कर देते, श्रिंक होना शुरू हो जाती है ना, और फिर जब आप उसको छोड़ देते हैं ठंडी हो जाती है तो उस जगह से वो हार्ड हो जाती है, तो वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी रिमोल्डेड, जिनको दोबारा हम रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं एंड कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, जो गर्म करने पर सॉफ्ट भी नहीं होते। ठीक है, अगर उनको एक बार वन सेटिंग, अगर उनकी एक बार सेटिंग कर दी जाती है, मतलब उनसे हम एक बार कोई भी चीज बना लेते हैं, ठीक है, तो दोबारा हम उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते, गर्म करने पर वो सॉफ्ट भी नहीं होते हैं, तो उनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट लाइक मेलामाइन, इनके बर्तन आपने देखे हैं ना, हम आग पे भी रख देते हैं, गरम गरम चीजें भी डाल देते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं होते। इसकी बजाय अगर आप ये जो थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, अगर आप पॉलीथिन में गरम गरम चीज डालेंगे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी, है ना, ठीक है ना, तो ये वो नहीं होते। तो हम मेलामाइन के डेट लाइट के यूटेंसिल्स यूज करते हैं जिनके ऊपर हीट का भी असर नहीं होता। तो कहने का मतलब है एक बार रिमोल्ड होने के बाद जब हम उनको गर्म करते हैं कोई असर नहीं होता उनके ऊपर, वो सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड ही रहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक बार जब हम उनकी सेटिंग किसी भी टाइप में, किसी भी यूटेंसिल में, किसी भी चीज में कर देते हैं, तो ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस होता है। ठीक है, नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट ई, राइट अप एज मेनी डिफरेंस एज दे कैन फाइंड बिटवीन सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स, मीन्स कि सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स के बीच में दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले आ जाते हैं सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट इज दे आर इजी टू वॉश, रिंकल फ्री, इजी टू ड्राई, वॉटर रिप्लेंट, मीन्स कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनको धोना, वॉश करना बहुत ईजी होता है, रिंकल फ्री, इनके ऊपर सिलवटे नहीं आती, रिंकल फ्री होती है, सिलवटे आ जाती है ना कॉटन के कपड़े आप धोते हो निचोड़ते हो पूरी सिलवटे आपको नजर आती है, रिंकल्स रिंकल्स, तो इनके ऊपर नहीं होती है और जल्दी से आसानी से सूख जाते हैं क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करते नहीं, जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते तो आसानी से जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है इजिली रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, छोड़ते हैं। ठीक है, दे कैन बी डाइड इजीली, इनको डिफरेंट कलर्स में डाई करना बहुत आसान होता है, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, लेकिन इसमें क्या कहते हैं इसको आप बेनिफिशियल नहीं कह सकते आप हमारे लिए ये, क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, केमिकली मेड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो सिंथेटिक टाइप के होते हैं और इनमें स्वेट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसीलिए जब स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते तो ये समर्स में गर्मियों में हमारे पहनने के लिए ड्यूरेबल और कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो स्वेटिंग ज्यादा होने से क्या होता है, अगर हम सिंथेटिक
हैवी कपड़े पहनेंगे तो वो किसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, स्वेट को। अगर स्वेट हमारी बॉडी के ऊपर रहता है तो चिपचिपापन लगता है हमें, ठीक है। दूसरा डस्ट, डर्ट, जर्म्स वगैरह स्वेटिंग पर आते हैं और स्किन डिजीजेस को पैदा करते हैं, ठीक है, इरिटेशन होती है। तो इसीलिए थोड़ा ये बेनिफिशियल इसलिए गर्मियों में नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर मोर रेजिस्टेंस, केमिकली मेड होते हैं तो केमिकल्स के ऊपर कीड़े, कीट पतंगे, मोथ्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये मोथ रेजिस्टेंस इसलिए होते हैं। दे इजली कैच फायर एंड स्टिक टू द बॉडी, क्या होता है अगर हम आग के पास जाते, फायर के पास जाते, ठीक है, तो क्या होता है आसानी से उसको कैच कर लेते हैं, फायर को आसानी से कैच कर लेते हैं। और अगर हमने पहन रखे और उन्होंने आग पकड़ ली तो जल्दी जलने के बाद क्या होता है बॉडी से वो चिपकना शुरू कर देते हैं, बॉडी के साथ चिपकते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई सिंथेटिक फाइबर्स। अब आ जाते हैं नेचुरल फाइबर्स। दे नीड मच एब्जॉर्ब वाटर सो डू नॉट ड्राई इजीली, इनके अंदर कैपेसिटी होती है ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की, इसीलिए जल्दी से सूखते नहीं है, ड्राई नहीं होते हैं। दे एब्जॉर्ब स्वेट सो कंफर्टेबल टू बी वॉर इन समर्स, और स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। कॉटन के अगर हमने गर्मियों में कपड़े पहने हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए हमारे लिए कंफर्टेबल होते हैं गर्मियों में और हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। दे आर बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं आपको मालूम है, जो इजीली एनवायरमेंट में डीकम्पोज हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डीकम्पोज नहीं होते, होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि वुड पल्प से बने हुए होते हैं कॉटन के कपड़े, तो ठीक है वूल है वो भी प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो क्या होता है तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अगर मान लो एनवायरमेंट में रह भी जाते हैं तो बायोडिग्रेड हो जाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे डू नॉट कैच फायर एंड डू नॉट स्टिक टू द बॉडी, नेचुरली मेड होते हैं। अगर मान लो इनमें आग लग जाती है, आसानी से हम कॉटन के कपड़े पहन के आग के पास खड़े होकर आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि फायर को कैच नहीं करते हैं और बॉडी से भी नहीं चिपकते हैं, खाली कॉटन ही जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं वो आसानी से आग को कैच नहीं करते हैं, ठीक है, और बॉडी को स्टिक भी नहीं होते हैं, चिपकते भी नहीं है। तो ये सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर के कुछ डिफरेंसेस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुछ आपको फाइबर्स दिए हुए हैं, प्लास्टिक दिया हुआ है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं नायलॉन, नायलॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल, ठीक है। क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर जितने भी होते हैं सारे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, सारे ही ड्यूरेबल होते हैं क्योंकि वो केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। इसके साथ साथ लस्ट्रस, इजी टू वॉश, लचीले, फ्लेक्सीबिलिटी जो कहते हैं, लस्ट्रस खिंचाव ज्यादा होता है, चमकीले होते हैं और आसानी से धोने में इस्तेमाल होते हैं। सेकेंड आ जाते हैं पोलिएस्टर, पोलिएस्टर का क्या स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल, ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, शक्तिशाली, ठीक है, फाइबर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले, किसी भी हद तक हम उनको खींच सकते हैं, जैसे आप रबड़ को खींचते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना उनके अंदर, तो इसीलिए, और साथ साथ ड्यूरेबल होते हैं, आसानी से धोए जा सकते हैं। वही इजी टू वॉश और रिंकल रेजिस्टेंस, आसानी से धो सकते हैं और इनके ऊपर भी सिलवटे, रिंकल्स नहीं आते हैं। एक्रेलिक आ जाते हैं, लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, मोथ रेजिस्टेंस, इसके ऊपर भी कीड़े नहीं लगते हैं, उनसे प्रूफ होते हैं। रेयॉन आ जाता है, रेयॉन भी क्या लस्ट्रस, सॉफ्ट, कूल, कंफर्टेबल, लस्ट्रस भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, कूल भी होता है, कंफर्टेबल भी होता है। क्यों, ये रेयॉन आपने पढ़ा है, क्या करते हैं नेचुरल फाइबर भी इसके अंदर होते हैं सिंथेटिक भी, हालांकि ये सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड फाइबर है, लेकिन जो वुड पल्प है, सेलुलोज का जो होता है ना पार्ट, उसको इसमें मिक्स करके बनाया जाता है, तो इसमें नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, इसीलिए कंफर्टेबल है और सॉफ्ट होता है और बिल्कुल कूल होता है, गर्मियों में भी हम इसको पहन सकते हैं। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, एक तो प्योर सिल्क है जो सिल्क मोथ से बनती है, ठीक है ना,
तो रेयॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल सिल्क की तरह होते हैं, इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैन बी इजली डाई, डज नॉट एब्जॉर्ब हीट, आसानी से, ये भी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होती है इसके अंदर, इसलिए आसानी से डाई भी हो जाता है और हीट को भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक के लाइट वेट होते हैं, कैन बी मोल्डेड इंटू डिजायर्ड शेप, बिल्कुल लाइट होते हैं। आपने प्लास्टिक की कुर्सी देखी है, टेबल देखिए, ग्लास देखिए, कप प्लेट, बहुत लाइट वेट होते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, रिमोल्डिंग, उनको दोबारा हम रिमोल्ड करके नई चीजें बना सकते हैं। ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग कैन बी रिसाइकल, आरामदायक होते हैं, ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग का भी हमें मतलब है, और हम इनको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे मैडम आपने थर्मोसेटिंग में ये बताया था प्लास्टिक में जो रिसाइकल नहीं होते, रिमोल्डेड नहीं होते, तो बच्चों क्या है, प्लास्टिक की भी टू कैटेगरीज है, ठीक है ना। कौन सी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको जब हम हीट के पास लेके जाते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उनको हम रिमोल्ड कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग को नहीं कर सकते। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लास्टिक के जो ये वाली हमारे होते हैं जो रिसाइकलेबल होते हैं, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम दोबारा डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है लाइट वेट तो होती है, चाहे वो वाला प्लास्टिक हो चाहे वो वाला प्लास्टिक हो, ड्यूरेबल भी है और लंबे समय तक चलते हैं। आपके घर में प्लास्टिक की चेयर टेबल होगी काफी समय से और आने वाले कई साल भी चलेगी, वो अलग बात है, हम जबरदस्ती उठा के फेंक के तोड़े तो अलग बात है, अदरवाइज लॉन्ग लास्टिंग ही होती है ना प्लास्टिक की चीजें। अब जैसे कांच की चीज उठाए छूटी और वो टूट गई, प्लास्टिक की चीजों के साथ ऐसा नहीं होता, तो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप देखेंगे। तो बच्चों अब ये आपका 9th चैप्टर टोटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सभी आप इसको राइट करेंगे, रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे, ओके बच्चों।